Hey guys, welcome back to another video. तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास Samsung Galaxy F62 device है, तो आप लोग ये video अंत तक जरूर देखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि F62 device जो है one of the best device है Samsung की तरफ से, क्योंकि इसे जो है एक साल पहले लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है अपडेट की, तो इसमें जो है One UI 4.0 का अपडेट कब से देखने को मिलेगा, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि One UI 4.0 based on Android 12 का अपडेट जो है वो Samsung Galaxy F62 के लिए कब से देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में अफवाह चल रही है दोस्तों कि अप्रैल से आएगा, तो कोई कह रहा है भाई फरवरी से ही आ जाएगा, बहुत लोग कह रहा है कि भाई अब तो चालू होने वाला ही है। लेकिन आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये अपडेट कब से देखने को मिलेगा आप लोगों के डिवाइस में। अगर आप लोगों के पास Samsung Galaxy F62 डिवाइस है, तो आप लोग पता होगा कि ये जो है बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ होता है, चाहे इसका प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, चाहे डिस्प्ले हो गया। लेकिन कैमरे से बहुत सारे लोगों को शिकायत थी, जिसके लिए एक अपडेट दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब जो One UI 4.0 का अपडेट आएगा, उसके बाद से सारी चीजें इसमें बदलने वाली है। यानी इसमें आपको कैमरा इंप्रूवमेंट बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लोगों को शिकायत थी इसके कैमरे से, उन लोगों को अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जिनको कैमरे से दिक्कत थी। अब दोस्तों, ये अपडेट जो है वन ऑफ द बेस्ट अपडेट में से एक है। अगर आप इस अपडेट के फीचर्स के बारे में सुन लो, तो आप कहोगे कि भाई ये अपडेट जल्दी से मेरे फोन में आ जाए। अब दोस्तों, इसके फीचर्स के बारे में बता दूं, ऐसे फीचर्स तो बहुत सारे हैं, अगर मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूं तो अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उससे अच्छा मैं आप लोगों को कुछ मेन हाइलाइट्स फीचर बता देता हूं जो इसके साथ होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये पूरा UI इसमें इनहांस होने वाला है, मतलब UI में बहुत ही ज्यादा मेजर चीजें चेंजेस देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे कलर पैलेट नाम से एक जो है चीज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन पैनल, आइकन, सारी चीजों के कलर्स बदल देगा आपके वॉलपेपर के अकॉर्डिंग। तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैमरा में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि F62 को लेकर के जिनको कैमरा में प्रॉब्लम था, उनके लिए अब ये प्रॉब्लम दूर होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है न्यू आइकन्स की, न्यू विजिट्स की, न्यू एनिमेशंस की, तो सारी चीजें यहाँ पे बदलने वाली है, चाहे उसका सैमसंग कीबोर्ड हो या फिर अदर्स ऐप हो, सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे सारे लेआउट्स जो है वो बदलने वाले हैं। लेकिन जो मेन एक चीज है यहाँ पे, इसकी सिक्योरिटी, जी दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी को काफी इंप्रूव किया गया है। जैसा कि आप सभी को बताए दोस्तों कि सैमसंग जाना जाता है अपनी नॉक्स की सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत सारी मेजर चीजें चेंजेस की जा रही है दोस्तों। उनमें से एक है आपका नोटिफाइड वाला। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आप लोगों को एक इंडिकेटर मिलेगा, जो आप लोगों को इंडिकेट करता रहेगा कि भाई आपका कैमरा और माइक यूज हो रहा है, आप उसको बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग ये फीचर से ये जान पाओगे कि कोई आप लोग का बैकग्राउंड में कैमरा तो यूज नहीं हो रहा है, कोई ऐप आपका माइक तो यूज नहीं कर रहा है बिना आपके परमिशन के, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी वाली है। अब दोस्तों, ये तो रही अपडेट की बात, लेकिन अब बात हो रही है कि ये अपडेट कब से देखने को मिलेगा F62 डिवाइस में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये अप्रैल से आएगा, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, तो दोस्तों हाँ, फरवरी से तो आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों। ये फरवरी से इसका बीटा टेस्टिंग का अप्लाई शुरू होगा, यानी कि इसका बीटा टेस्टर जो लोग लेना चाहते हो, उन लोग को अप्लाई करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। जो लोग अप्लाई कर दोगे, उसमें से मात्र 700 लोगों को चुना जाएगा इस अपडेट के लिए। मतलब कि आपको दोस्तों, अगर आप लोग बीटा टेस्टर हो और एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपडेट को जो है स्टेबल होने से पहले ही, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कंपनी जो है एक जो है निकालेगी फॉर्म, उसको फिल कर देना वहीं से सेटिंग से जाकर के। उसके बाद आप लोगों को ये अपडेट अगर सेलेक्ट हो गया, तो आप लोगों को ये अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे तो ये सिर्फ 700 लोगों का ग्रुप होने वाला है, जो लोग जो है अपडेट लेने के बाद जो है उसका बग्स वग्स के बारे में कंप्लेन करेंगे, अगर उसमें कुछ बग्स निकला, कुछ प्रॉब्लम हुई तो कंपनी को, और कंपनी उसे बग्स को फिक्स करने के बाद स्टेबली एक अपडेट देगी। तो दोस्तों, इसका जो है फरवरी के लास्ट वीक से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है इसका बीटा टेस्टिंग का अप्लाई, और उसके बाद ये बीटा टेस्टिंग जो है वो शुरू होने वाला है मार्च के सेकेंड वीक से। और दोस्तों, यहाँ पे मार्च के लास्ट वीक से आपका ये अपडेट स्टेबली आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को बीटा टेस्टिंग में अपडेट नहीं मिलता, तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों को 15 दिनों के अंदर मार्च के लास्ट वीक से ये अपडेट देखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये अपडेट जो है आप लोगों के डिवाइस पे आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों, इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो पता ही आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब करते हुए जाओ यार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।